हाँ ऊपर दिखती है, बहुत जबरदस्त फिश दिखती है, बहुत ज्यादा। बाय बाय, बाय, हम बाद में मिलेंगे आपसे। और ये क्या है? बात ओ माय गॉड, पकड़ना। आपका स्वागत करते हैं मॉर्निंग में इस कुंभलगढ़ के शानदार होटल के रूम से। और जानशु देखो एकदम रेडी हो चुका है, और फिलहाल अभी मॉर्निंग के लगभग 8 बजने वाले हैं और हम सब रेडी हो चुके हैं। अभी का सीन ये है कि अभी हम जाएंगे परशुराम महादेव जी का मंदिर है, जो कि जिस जगह मैं रुका हूँ यहाँ से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो दोस्तों कुंभलगढ़ में फिलहाल देखने वाली दो तीन चीजें ही हैं। एक चीज तो है कुंभलगढ़ के अंदर मेन कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं कुंभलगढ़ में, और सेकंड परशुराम महादेव जी का टेम्पल है यहाँ पे, महादेव जी का टेम्पल। अरे और थर्ड वन जो फिश है तालाब के अंदर, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी फिशेज है हजारों की संख्या में, तो वो भी एक अच्छा व्यू बनता है, हम क्या, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे फिलहाल। तो ये देखो कुंभलगढ़ की मॉर्निंग कुछ इस मैंने तरह से क्या है। अभी देखते हैं बाहर जाके क्या सीन बनता है। नीचे रिसेप्शन है और जानशु देखो एकदम रेडी होके मैंने कपड़े जा गंदे रहा किए। है, और फिलहाल मैं रूम पे लगा रहा हूँ लॉक। और ये है कुंभलगढ़ की मॉर्निंग एक्चुअली, और बहुत ही पीसफुल एरिया। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे, और ये है कुछ इस तरह का व्यू। और यहाँ से अब नीचे उतरेंगे। जानशु धीरे आओ, देखो टेरिस पे भी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी है, हमारी गाड़ी नीचे है, बिल्कुल हमने जस्ट नीचे ही पार्क कर रखी है, ये गाड़ी खड़ी है हमारी इस तरफ। और फाइनली गाड़ी के अंदर हम आ गए हैं, और पहले नाश्ता करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे डायरेक्ट परशुराम महादेव जी के टेम्पल। तो फिलहाल हमारा लेगेज अभी होटल के अंदर ही है, बैग वगैरह जो लेकर आए थे, और अभी महादेव जी के करेंगे दर्शन। फिश दिखाऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी बैग फिश बाद है, में लेंगे। बहुत हजारों की संख्या में फिश है, लंबी लंबी फिश है तालाब के अंदर, और तालाब में वो फिश का नज़ारा बहुत जबरदस्त रहता है। तो इतनी उसको ऊपर भी, ऊपर दिखती है क्या? हाँ ऊपर दिखती है, बहुत जबरदस्त फिश दिखती है, बहुत बहुत ज्यादा। कुछ खाने के लिए उनको कैसे कुछ फिश के खाने के लिए भी है वहाँ पे, दुकानें हैं छोटी छोटी, देते हैं रोटी की गोलियां वोलियां, ऐसे गोलियां देते हैं, आटे की गोलियां देते हैं, जो उस फिश को दे सकते हैं आटे की गोलियां देते हैं वहाँ पे। होटल से हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और कुंभलगढ़ का फिलहाल ये रास्ता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बिल्कुल गहरी खाड़ी है, और रास्ता एकदम शानदार अल्टीमेट रास्ता है। जानशु कबूतर था वो, पता है कहाँ मंकी, है? ये मंकी ओ बैठा था वो बड़ी हाँ, पे। ये ये जानशु की नजर पड़ गई। लो मेरे, ये हम इनको केले लेकर आए थे कल से, और हमको मंकी दे दिखाई दो। दिए नहीं, तो कल से हम केले लेके ये लो, घूम रहे हैं, बोलो खा इनको। रहे हैं। देखो आगे आगे वो लेके जा रहे हैं, देखो जानशु भाग रहा है, जानशु हाथ में खिला रहा था, देखो कितने सारे बंदर हो गए यार, रोटी ले, चलो कैसे ऊपर आ गए जानशु। आगे मंकी बढ़ो। देखो कितने ऊपर आ गए। तो बाय बाय, हम बाद में मिलेंगे आपसे। कितने सारे देखो लाइन में लगे हुए, देखो यार कुल मिला के अच्छा काम हो गया। सुबह सुबह बंदरों को हमने सुबह सुबह दे दिए केले, और हम ऑलरेडी लेकर आए थे बंदरों के लिए, और हमें मालूम था कि बंदर हमें मिलेंगे इस कुंभलगढ़ जगह में। तो फिलहाल हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखो इस जगह जो लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है एक्चुअली महादेव जी के दर्शन करने के लिए, परशुराम महादेव जी का मंदिर 10 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है, और राइट वाला जो एरिया है ये जाता है सीधा कुंभलगढ़ फोर्ट की तरफ। तो फिलहाल अभी यहाँ पे इस जगह करेंगे हम ब्रेकफास्ट। और ये शुरू की मैगी आ गई। फाइनली ब्रेकफास्ट करने के बाद हम परशुराम महादेव जी मंदिर जाने वाले थे, लेकिन पता लगा कि पैदल ट्रैकिंग थी, 1.5 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतरना और फिर 1.5 किलोमीटर चढ़ना, तो जानशु के साथ पॉसिबल नहीं था। तो टाइम की कमी को कैसे देखते देखो हुए पहाड़, हमने परशुराम महादेव जी के दर्शन नहीं यहाँ पे किए, मंकी लेकिन दिख आप रही लोग जब भी आओ ना कुंभलगढ़ देखने के लिए, तो परशुराम महादेव जी के दर्शन जरूर करना, टेम्पल को जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही शानदार व्यू है, बताते हैं यहाँ के लोकल लोग। मैं आपको अभी तालाब में मछलियां दिखाने लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मछलियां जो फिश है ना, काफी लंबी चौड़ी फिश है, बड़ी बड़ी फिशेज हैं वहाँ पे तालाब के अंदर, और काफी हजारों की संख्या में बताते हैं कि वहाँ पर फिशेज हैं। तो हम देखते हैं तालाब में, अभी फिलहाल जा रहे हैं जानशु के साथ, और फुल एक्सप्लोर करेंगे। रास्ता कुछ इस तरह से है कुंभलगढ़ का, और फुल एक्सप्लोर करेंगे मछलियों को भी और उस तालाब को भी। 5 किलोमीटर नीचे आपको उतरना पड़ेगा, फिर आपको तालाब में मछलियां दिखेंगी, नहीं है। क्योंकि वो जो तालाब है ना, वो तालाब है इस केलवाड़ा में, और यहाँ से लेफ्ट साइड में एक रोड निकलेगी, कच्ची रोड उस तालाब की तरफ। ये पूरा मार्केट है केलवाड़ा का एक्चुअली। यहाँ के किसी लोकल से हमने पता किया, और ये जो तालाब का नाम है वो है हमेरपाल। उसको तो बताते हैं, हमेरपाल का फिश पॉइंट है जो एक देखने जैसा है, तलादरी गावड़ी की नाल, और इस एरिया में हमको जाना है, इस रोड पे हमको जाना है, जो कि मेन रोड से लगभग बता रहे हैं कि इस जगह से 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है, और आपको
फिश पॉइंट है वहाँ पे पिकनिक के हिसाब से मछलियों को देने के लिए। फिलहाल हम प्लान कर रहे हैं कि ये ले जाते हैं, मुरमुरे का पैकेट है ये एक्चुअली। और ये देखो ये हामेर पोल लिखा हुआ है, इस जगह पे 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अंशु कह रहा है कि मुरमुरे के पैकेट को मछलियों में डालेंगे। देखो ये मछलियों को देने के लिए, ये सब मछलियों को खिलाने के लिए, ये पुण्य का काम है एक्चुअली। ओ भाई, और ये क्या है? ओ माय गॉड, जांशु ये क्या है? जांशु ये क्या है? अरे यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है। इधर देखो, ओहो जांशु इधर आओ। जांशु देख रहा है देखो मछलियों को, देखो कैसी मछलियां है, खतरनाक वाली देखो। और ये सब लोग आए हुए यहाँ पे देखने के लिए इस फिश को। और ये तालाब है, कुछ इस तरह का व्यू देखो। और ये एरिया केवल केलवाड़ा में एक्चुअली देखो। और आवाज आ रही है, ये भैया ने हमको टब दे दिया है। और ये भैया इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें हमने मुरमुरे डाल दिए। और जांशु देखो ये देखो, ओ भाई यहाँ पे बहुत सारी मछलियां आ गई। अरे इसमें कितनी मछलियां होंगी? लाखों के ऊपर मछलियां हैं ये भैया बोल रहे हैं। देखो वो देखो किधर कितनी मछलियां हैं। थोड़ा सा मैं भी डाल देता हूँ। वो देखो कितनी सारी मछलियां यार, गजब। और जांशु देखो इन मछलियों, जांशु धीरे धीरे, जांशु देखो कैसे फास्ट एंड फास्ट मुरमुरे सब मछलियों को दे रहा है। अरे बहुत अल्टीमेट जगह है, बहुत अल्टीमेट जगह। ये देखो सारी मछलियां इधर आ रही है। देखो इस मछलियों क्या नाम है? कैटफिश है। अच्छा ये मूछे हैं इस मछलियों के, मछलियों का नाम एक्चुअली कैटफिश है। इनके फेस पे मूछे हैं बिल्ली की तरह, कैट की तरह। और एक पैकेट और ले लेते हैं, हमको कम पड़ा। एक ले लें, कितने का? 40 का है। एक पैकेट दे दो, एक ये एक और पैकेट ले रहे हैं। ये देखो कितनी सारी मछलियों को खिलाने के लिए, ये करोड़ों से ऊपर है यहाँ पर मछली है, करोड़ों से ऊपर है। ये करोड़ों से ऊपर बोल रहे हैं, ये भैया लाखों से ऊपर कह रहे हैं। और मुझे भी लग रहा है कि लाखों से ऊपर ही है, लाखों से ऊपर तो है। जांशु ये और आ गया देखो, ये जांशु ये देखो कैसे फटफटा रही है। ये देखो कितनी सारी मछलियां फटफटा रही है यार, बहुत सारी। वो उधर उधर से आ रही है मछलियां देखो। और ये जबरदस्त सीन देखो, जांशु खिला रहा है इन मछलियों को ये मुरमुरे, बहुत ही जबरदस्त व्यू। हाँ सांप की तरह लग रही है, लेकिन ये कैटफिश है। कैटफिश बताया ना भैया ने, कैटफिश है। थोड़ा थोड़ा डालो, मुरमुरे खिला दिए मछलियों को, बहुत जबरदस्त सुकून हो गया एक्चुअली। और जांशु देखो देख रहा अभी भी, धीरे धीरे मछलियों को खाना खिलाने के बाद अब हम लोग पी रहे हैं गन्ने का जूस। जो फोर्ट है ना वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर नीचे केलवाड़ा में ये लोकेशन है, बहुत ही अच्छी प्यारी लोकेशन। ये है प्योर गन्ने का जूस देखो। हमारी गाड़ी वो उस जगह खड़ी है देखो, और वहाँ से हमने पैदल आके इस जगह को पूरा एक्सप्लोर किया है, इस तालाब को और कैटफिश को भी। गन्ने का जूस बहुत बढ़िया है, टेस्टी है। और फिलहाल अब हम इस हमेरीपाल से जा रहे हैं होटल की तरफ। और मैं आपको बता दूं ये हमेरीपाल एक्चुअली विलेज का नाम है, और बहुत अच्छी प्यारी लोकेशन है एक्चुअली, बहुत शानदार प्यारी लोकेशन, प्यारी व्यू। और कुंभलगढ़ अगर आते हैं घूमने के लिए, फोर्ट देखने के लिए, तो कुंभलगढ़ और ये हमेरीपाल तालाब कैटफिश जरूर देखने के लिए आएँ। तो फाइनली मैं जांशु और सुरु अभी होटल की तरफ रवाना हो रहे हैं, और ये रही हमारी गाड़ी। और इस प्यारी सी लोकेशन से अलविदा, और आज का व्लॉग यहीं कंप्लीट होता है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक बाय।